constituency and deputy leader of the Scottish Labour Party. हमें खुशी भी है और दुख भी है क्योंकि वालिद साहब पाकिस्तान जा रहे हैं. We're a bit upset about that. मगर खुशी इस बात की है वो यहाँ के ने उन्हें बहुत काम किए यहाँ ग्लासगो के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मगर पूरे ग्लासगो के लिए और स्कॉटलैंड के लिए. अब वो चाहते हैं कि वहाँ वो जाके पाकिस्तान में ऐसे काम करें. यहाँ उन्होंने बहुत काम किए मगर उनका दिमाग यहाँ था, उनका बॉडी यहाँ थी, मगर उनकी दिल हमेशा पाकिस्तान में रहा था. और इसलिए ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए कि वो जाके न्यू चैलेंज करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बेहतर करें. यहाँ की जो कम्युनिटी है और जो पॉलिटिशियन है वो अबू की बहुत इज्जत करते हैं कि उन्होंने बहुत काम यहाँ पे किया है, और वो रिस्पेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और काम वहाँ इंशाल्लाह करेंगे. वहाँ एजुकेशन स्प्रेड करेंगे, वहाँ हेल्थ की वो प्रमोशन करेंगे, वो एनर्जी सेक्टर है उनको बेहतर करना चाहेंगे. दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप. यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, एमपीज हैं, लॉर्ड्स हैं, काउंसलर और जो कम्युनिटी है वो सोचते हैं कि थ्रू मोहम्मद सरवर दे कैन स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूके एंड पाकिस्तान. नाम मोहम्मद असलम है, मैं स्कॉटलैंड एडिनबरा से बिलोंग करता हूं और मेरा तल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है. हमें बड़ी खुशी हुई है कि चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब नामजद हुए हैं, और मेरे ख्याल में कि मियां साहबान ने जो फैसला किया है वो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सरवर साहब वहां जा रहे हैं, और हमें इंशाल्लाह वहां बड़ा हम इस चीज को बड़ा अच्छा देख रहे हैं कि हमारे लिए ये बड़ा मतलब के आसान होगा, क्योंकि चौधरी सरवर साहब यहां वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और दूसरी बात ये भी थी कि यहां के बड़े अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, तो एक तरह से हम उनको मिस भी करेंगे. दूसरी बात यह है कि हमें बड़ी खुशी की बात यह है कि चौधरी सरवर के वहां होने में हमें बड़ा मतलब के फायदा हुआ है कि हमारे लिए एक अच्छा मौका पैदा हुआ है कि हम पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी स्कॉटलैंड की और पूरे यूके की इस चीज को बड़ी खुश हुई है इस फैसले से कि चौधरी सरवर साहब, क्योंकि जो उनका एक बड़ा नाम था यहां यूके में कि पॉलिटिक्स में उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया, बिजनेस में उन्होंने एक अपना नाम कमाया, और मेरे ख्याल में कि हमें बड़ी खुशी है, और हम स्पेशली मियां साहबान को और चॉइस भी इस पे मुबारक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप की जो ये तकरीब मुनक्कद हो रही है ये इस सिलसिले में है कि सरवर साहब की जो खिदमात हैं उनको एक तो खराज अकीदत पेश किया जाए, क्योंकि कम्युनिटी उनको मिस भी कर रही है, हम उनको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन हमें खुशी भी ये है कि वो अपने होमलैंड जो अपनी उनकी कंट्री थी, हम सब लोगों के भी वो मुल्क है, उसको वो सर्व करने गए हैं और एक अपना एक मिशन लेकर गए हैं कि वहां पर पुलिस कल्चर, वहां का एजुकेशन सिस्टम जो कि वो ठीक करेंगे. सरवर साहब को यहां पर एक्सपीरियंस भी है, बीइंग अ लेबर पार्टीज मेंबर, तीन दफा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, बेशुमार कमेटी